खरीदा। ढेर सारी ज्वेलरी भी खरीद के लेके आए हैं। हेलो, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है धनतेरस और हमने वीडियो स्टार्ट कर दी, फूल वगैरह सब खरीद लिया और धनतेरस के बर्तन तो मैं ला दी हूँ, सब कुछ आ गया है। पूजा करेंगे शाम को और शाम को पूजा की जाएगी गांव, मतलब इन लोगों को छोड़ के, इन लोगों को मैं नहीं। अरे नहीं, हमारी मजबूरी, हम बताते हैं क्यों नहीं जा पा रहे हैं आज, थोड़ी देर में बताएंगे। अभी पूजा का व्लॉग पूरा शेयर करेंगे। चलो ठीक है, सामान और भी खरीद ले पूजा। हम खरीद रहे हैं झाड़ू क्योंकि शुभ होता है ना धनतेरस के दिन खरीदना। यहाँ से हमने मिठाई भी खरीद लिया। चल हाँ, लड्डू खरीद लिए। ओ दीदी जा रही है, पता नहीं क्या खरीदने जा रहे हैं। ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ से कुछ छल्ला वल्ला खरीदेंगे अपने लिए। और देख लीजिए पूरा, क्योंकि ये रो रही थी तो मैंने कहा चलो तुम्हें कुछ दिलाती हूँ, फिर खुश हो गई। वो हमने की कहा ये त्यौहार कितना सुंदर लगता है ना। हाँ, छठ के बाद मुझे दिवाली बहुत पसंद है। कितना सुंदर लग रहा है। सेकंड हम जा रहे हैं ज्वेलरी वाले शॉप पे। लकी है हम लोग, है ना। चलो चलते हैं, गिफ्ट भी मिला है, है ना। मिला है साथ में, मुझे लग रहा है गिफ्ट में हार का डिब्बा है दे। मैं सोच रही हूँ कि वो दे रहे हैं डब्बा, फिर उन्होंने बोला कि गिफ्ट है। दुकान को हम लोग 2-3 साल से देख रहे थे, गए नहीं थे ना। हाँ, वाह, चारों तरफ सजा हुआ है ना। फिर यहाँ पे आई मटर खरीदने। तो शांति दी घर चली गई और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों नहीं गए। बहुत बड़ा रीज़न है उसके लिए, हम लोग भी जाने वाले थे आज ही, क्योंकि कभी आज तक हम लोग धनतेरस पे यहाँ फैमिली से दूर नहीं रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो बस वाले भैया हैं उनके बस में सीट ही नहीं था, सिर्फ एक लोग का सीट था, तो दीदी को जाना उसमें ज़रूरी था क्योंकि उसको घर पे ज़रूरी है भाई धनतेरस। तो इसलिए मैंने, मोदक ने दोनों डिसाइड किया है कि हम लोग कल जाएंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग धनतेरस सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें खरीद लिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम सुनार के दुकान पे गए थे, वहाँ तो से हमने क्या क्या खरीदा, ढेर सारी ज्वेलरी भी खरीद के लेके आए हैं। तो चलिए खोल के दिखाती हूँ मैं कि हमने क्या क्या खरीदा। ओ, ये क्या है। तो दो रिंग होगा, रुके, तो ये मेरे लिए है, ये चांदी का है, ये देखिए, ये ऐसे बैक करके दिखाऊंगी तो अच्छे से मिल जाएगा। ये वाली रिंग मैंने प्रियंका को गिफ्ट दी है, और ये थंब के लिए, मतलब और एक अंगूठे के लिए छल्ला भी दिलाया है इसको, क्योंकि मैंने कभी आज तक इसको इतना अच्छा अच्छा गिफ्ट दिया नहीं था। तो मैंने कहा अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देना तो बनता है। चांदी का दो रिंग, उसके बाद और भी है, देखिए कितने क्यूट क्यूट इसमें दिया गया है, पोटली बना के दिए है। देखिए इसमें क्या है, खोल के दिखाते हैं। तुम खुश हो कि नहीं हो ये बताओ। बहुत खुश हो, वीडियो देखी तो जान जाएगी। अगर से पहले पहुँच गए रहेंगे ना पहुँच रहेंगे तो भी जान जाएगी तो क्या। तो ये शांति दी के लिए भी हमने कुछ खरीदा है जो बाद में दिखाएंगे, उसके लिए भी है, वो उसके व्लॉग में देखिएगा, गांव की शांति वाले वीडियो में। ये क्या है, अभी दिखा देंगे तो वो जान जाएगी। नहीं, चांदी का है, गोल्ड का है, कुछ उसके लिए अच्छा लिए हैं, यूनिक है, बहुत यूनिक है, तो उसके लिए ये नहीं दिखाएंगे, उसके यहाँ जाके ही दिखाएंगे। उसके लिए अलग से ये पैकिंग और अलग से ये सब गिफ्ट है, तो ये शांति दी का है। और ये सारे गिफ्ट मेरी तरफ से हैं, मेरी कमाई से। कमाई से ना, पॉकेट मनी बचा के। मैं दीदी से बोल रही थी कि मेरे तरफ से भी अंगूठी ले लो। पर छोटी बहन से कोई क्यों गिफ्ट लेगा, कह रही नहीं रहने दो। और मैंने अपने आप को भी गिफ्ट दिया आज के दिन, धनतेरस वाले दिन, वो गिफ्ट ये, मेरा इतना मन था ना, कब से मेरा मन था ब्रेसलेट लेने का। ब्रेसलेट और भी है कुछ, और ये चांदी का कड़ा, हाँ ये चांदी के कड़े भी लिए मैंने। मतलब मुझे बहुत मन था कि मेरे को ना ब्रेसलेट चाहिए, गोल्ड का चाहिए। और ये हम पहनेंगे दिवाली के दिन, आज नहीं, आज बस पूजा होगी, आज इसको हम पूजा कर लेते हैं फिर। और शांति दी के लिए स्पेशल है, उसके लिए थोड़े
अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो देख के पहचान जाएगी। ये रहा बिल, क्या आप लोग पेमेंट इसका पे करना चाहेंगे बिल को? नहीं, और भी कुछ मिला है। और वहां से भैया ने सब कुछ खरीदने के बाद मत दिखा। अच्छा दिखा दे ली, चल काट दो। वहां पे हमें ये सब कुछ खरीदने के बाद गिफ्ट भी मिला है ज्वेलरी शॉप से, तो बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या है फाड़ के देखो। इतने रुकियो, मिठाई का डब्बा हम खिला था, सोन पापड़ी नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ। तो ये रहा, देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देती हूँ। दीदी का नहीं दिखाएंगे। अरे लौकता, दीदी खोलेगी। हम की चलो शर्ट लगाई जा, केकर का हुई हमारे तरफ से सोन मिठाई। तो मिठाई में कौन है? मैंने पहले सोन पापड़ी बोला है, तुम बताओ। हम लोग तो ये लगा था, अधिकतर लोग दिवाली सोन पापड़ी देते हैं। क्या पता काजू कतली निकल। काजू कतली अगर देने लग जाएंगे फिर तो वो धंधा कैसे करेंगे भाई। हाँ समझ सकते हैं, सुन पापड़ी ही है। भैया आज जितना हो सके मैक्सिमम डिस्काउंट दीजिएगा, तो उनके पापा बोल रहे हैं अरे वाह हल्दीराम का सुन पापड़ी दीदी को मिलेगा पूरा खा जाएगी, तो उससे दूर रखना, उसको वेट लॉस करना है तो यहीं पे छोड़ के जाएंगे क्या। मनीषा दी के यहाँ से लड्डू आया था, तीनों डिब्बा अकेले खाई है मना करने के बावजूद भी। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा तैयार होके पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा हम करेंगे अब धनतेरस। ये दी फोटो बंद हो गई मोबाइल में, हम लोग के पास फोटो नहीं था, दिखा बंद कर दे। तो वहाँ पे धनवंतरी जी का फोटो है, दीदी यहाँ पर दिया जलाएगी। भोग वग के लिए हमने सब कुछ जितना भी हम लोग को समझ में आया, और मेन जो होता है वो झाड़ू होता है ना दीदी, जरूर खरीदना चाहिए, जरूर चढ़ाना चाहिए। हाँ धनिया भी वहाँ पे देखिए, खड़ा धनिया। तो कोशिश की हमने जितना हमसे हो सके, जितना हमने अपने घर में दिखाई दुपट्टा देना। तो अब जा रहे हैं हम पूजा करने, है ना। गणेश जी की माना बड़ी होगी दीदी, सब खरीदवा के गई है ना, खरीदवाई है सब कुछ खरीदवा के गई है। दो राउंड करके पहना दी क्या? लड्डू गोपाल जी के पहना दिए, पहले गणेश जी को पहना दो। कमल का फूल देवी जी को बहुत पसंद है, तो मैं उनको कमल का फूल से कर देती हूँ। पहले आसन के लिए लाल फूल, उनका पसंदीदा है लक्ष्मी जी का, इसीलिए कमल का फूल हम चढ़ा रहे हैं उनको। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, है ना दी। तो हम ना हमेशा धूप ही जलाते हैं, पर कभी कभी होता है कि अगरबत्ती हम जला लेते हैं, क्योंकि धूप खत्म हो जाती है दुकान पे, तो अगरबत्ती ही लेके आना पड़ता है। तो हमने सोचा कि इस बार पूरे डब्बे वाला हमने रखा है अगरबत्ती। यहाँ पे हमने मटर खरीद के लेके हम लोग आए थे, तो प्रियंका मटर छीलने में लगी हुई है, देख रहे हैं इसकी खुशी मटर छीलने में। तो ये हमारा सीजन का सेकंड मटर। हाँ तो अब हम लोग जा रहे हैं, आज हम खाना नहीं बनाएंगे, चूरा भी लेके आए हैं और मटर लेके आए हैं, तो जा रहे हैं हम लोग चूरा मटर खाने। तुम बनाओगे और कौन बनाएगा, और इतना महंगा दिए वो आंटी, बाप रे। तो चलिए बना के फिर हम लोग मिलते हैं। हमारी पूजा तो संपन्न हुई धनतेरस की, आप सभी को दिल से एक बार फिर धनतेरस मतलब धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं, और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं तो आप लोग भी आई होप कि दिवाली सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सब लोग अपना घर बार सजा लिए होंगे। तो और दिवाली ऐसा त्योहार है ना कि सबका घर जो बाहर से अंदर से सब चमकता है ना। हाँ, सब अपना घर भी साफ करते हैं, मन भी साफ करते हैं, और बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। हाँ, बड़ों का भी और बच्चों का भी, सबका फेवरेट है। हमारे यहाँ तो जो भाई साहब पटाखे फूट रहे हैं। हाँ मतलब ये तो बम बहुत ज्यादा फूट रहा है। तो अभी हम लोगों ने सब पूजा वूजा कर लिया, मटर भी छिल गया है, अब जा रहे हैं हम लोग मटर का प्रियंका बनाएगी जो भी डिनर के लिए। आज हम लोग चूरा मटर ही खाने वाले हैं, और उसके बाद हमको करनी है पैकिंग, सबसे बोरिंग काम प्रियंका बहन। अरे कल रंगोली का सामान खरीदेगी, और अभी ना कल पूरा दिन हमको 3-4 घंटे लगेंगे रंगोली के लिए, जो भी सामान खरीदना है वो लेने के लिए। दीदी पैसे तो देखी गई है कि रंगोली का सामान खरीद लेना,
तो रंगोली का सामान खरीदना, अभी पैकिंग करना है। और इस साल रंगोली में क्या बनेगा? और इस साल रंगोली में बहुत ही यूनिक चीज बनने वाला है, तो आप लोग वेट करिएगा। हर साल अलग ही अलग रंगोली बनाती हूँ। हाँ जी, तो अभी हम लोग तैयार होकर बना रहे थे रील्स, और पहली बार ऐसा हुआ कि रील बनाते टाइम हम दोनों झगड़े नहीं, वरना हम अक्सर झगड़ लेते हैं। और हम महीनों में बनाते हैं, एक दो रील बना लेते हैं। और रील बनाना कितना टफ काम है ना, बहुत 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 मुश्किल काम है भाई रील बनाना। पहले दीदी को हम लोग सुना देते हैं करना क्या है, 30 सेकंड का रील बनाना है, पर अब पता चलता है। और आपने एक बात ध्यान दिया कि हमने सेम ड्रेस पहना था, ये हमने 2 साल पहले खरीदा था, पर हम कभी पहनते नहीं सूट, तो आज हमने सोचा धनतेरस है तो माँ लक्ष्मी बोलती है कि हमेशा सज संवर के रहना चाहिए, तो हमने सेम कुर्ता पहन लिया। चलो बना लीजिए। यहाँ पे ऑयल फ्री चूरा मटर बनने का एकदम, अरे मैं क्या बोल रही हूँ यार, आज प्रियंका उसमें ऑयल डाली है, वरना कभी ऑयल डालती नहीं है। तो चूरा मटर की रेसिपी ये है कि थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डालिए, फिर ऑयल के साथ साथ नमक भी डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, और एक ही साथ मैं नहीं भूनती हूँ, फिर भी थोड़ा 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 करके निकालती है उसको। उसके बाद डाली इसमें मुट्ठी भर के तली तेल, एकदम गर्म गर्मी बहो, मुट्ठी भर के चूरा, वाह वाह वाह, इतना करके 3-4 स्लॉट में इसको भून लेंगे हम लोग, और बिना तेल का भी बहुत अच्छा वो होता है। तो यहाँ पे हमारा चूरा मटर बन के तैयार है, आके सीधे हम सो जाएंगे और सुबह बहुत सारी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं आप सभी के कल के वीडियो में, आप और भी खा लीजिए, खातू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट और शेयर भी करिएगा, है ना। बाय बाय।